क्यों ब्राह्मण ही केवल भोजन करता है तो मुक्ति मिली, यादव भोजन करी तना मुक्ति मिली, चमार भोजन करी तना मुक्ति मिली, खाली ब्राह्मण भोजन करी तो मुक्ति मिली। कहला तनि चाउर रंग के लिया बा, तनि काला तिल लिया बा, जौ का आटा लिया बा, पांठे फूल लिया बा, तनि गेना के अलगे ले लिया, घी अलगे ले लिया, भैंसी का घी न रह, गाय का घी रह। वो जो कहता है ये करते जाते हैं, वो पूरा ढकोसला बनाता है, होता उसे कुछ नहीं है, वो केवल ढकोसला बना के व्यक्ति को दिमागी रूप से हनन करता है, मेंटली रूप से जी। और जान गए अगर कुल कह ले तो थोड़ा शांति होकर दिमाग में ही रही कि हम तो बहुत बड़ा पूजा करा देली, अब हम मरब उरब ना, अब हमारे घर में कोनो दुख सम विपत ना आई। लेकिन 5 दिन के बाद अगर कुछ आ गई, भैंस मर गया, नहीं बैल मर गया, नहीं गाय मर गई, नहीं लड़का का एक्सीडेंट हो गया, नहीं घर में चोरिया हो गई, तो जन उधर देख दें कि पिछले जन्म का कुछ तुहार चुकल रहल, वह में पूरा ना हो। कहला तो ये कैसे हुई बाबा, कहला बेद नहीं और हवन करावा, 5 ब्राह्मण के दान करा, 5 ब्राह्मण के भोजन करावा। अभी परसों एक पंडित जी से हमारी बात हो रही थी जी, हम उनसे पूछे इस बात को कि अगर हम सभी लोग मानव हैं तो दान लेने का अधिकार श्री ब्राह्मण को क्यों, क्यों ब्राह्मण ही केवल भोजन करता है तो मुक्ति मिलती है, यादव भोजन करी तना मुक्ति मिली जी, चमार भोजन करी तना मुक्ति मिली, खाली ब्राह्मण भोजन करी तो मुक्ति मिली। कहना नहीं तो कर्म होना चाहिए, तो हम कहने कौन सा कर्म आपका इतना ऊंचा है और हमारा इतना नीचा है। अगर आपसे ऊंचा हमारा कर्म हो तो क्या ब्राह्मण से पहले हमको कोई भोजन कराएगा? कहना नहीं, ये तो परंपरा पर आधारित है। आ गए वही भाग के, तो सवाल ये चीज का है, देश की जनता को और आवाम को मैं अपने श्रोताओं को अपील पूर्वक कहता हूं कि मेरी बात को सुनिए, स्वयं आप समझिए, अपने परिवार को समझाइए और लोगों को समझाइए। जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनको मेरी वीडियो दिखाइए, उससे नहीं समझ पाते हैं तो मेरी बात करवा दीजिए फोन पर, हर तरह से लगाऊं जी। और मेरी सोच जो है किसी के विरुद्ध नहीं है, जो देश में कुरीति है जी। जो मानव से मानव के बीच में द्वेष है, मैं वो खत्म करके इस देश में मानव को बराबरी में लाने का प्रयास कर रहा हूं। हर मानव जातियों से बाहर निकलकर, धर्मों से बाहर निकलकर दूसरे मानव को समझे, दूसरा का सम्मान करे, स्वयं अपने सम्मान पाए, और जब यहां मानव मानव एक समान हो जाएंगे, लोगों में समानता होगी, तब देश में अमन होगा। तो मेरी लड़ाई यहां है, लेकिन मेरी बात को लोग समझ नहीं पाते। अरे तू भगवान के मन बहन करा ला, अरे तू देवी देवतन के मन बहन करा ला, क्यों माने भाई? अगर उनकी कोई भूमिका हमारे लिए नहीं है, ना हमारे जीवन के लिए, ना समाज के लिए, ना देश के लिए है, तो हम उनको क्यों माने? और जिनकी भूमिका हमारे देश के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे सम्मान के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए रही है, उनको ये मना करते ना 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 ना, ना उनके मनिया मत। तो जो हमें रोटी दिया है, हमारा फर्ज है कि सबसे पहले हम उस पर स्मरण करें, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कहा है, पहले हमारा फर्ज है उसके बारे में जानने के लिए। बाबा साहब को 400-500 पागल कुत्ते नहीं काटे थे कि बेटे मर रहे थे और वो हमारे लिए लड़ रहे थे, पत्नी मर रही है लेकिन हमारे स्वाभिमान और अधिकार की वो लड़ाई लड़ रहे थे। उनके मन में एक सोच थी और बुद्ध की परिभाषा को परिभाषित करना चाहते थे कि भारत में शांति और अमन लाना है तो पूरे भारत को बुद्धमय बनाना होगा। आज तक हमारे लोग बाबा साहब का मिशन ढो रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब के मिशन के बारे में उनको पता ही नहीं है कि बाबा साहब का ओरिजिनल मिशन क्या था। बाबा साहब का सिर्फ मिशन एक था कि पूरे भारत को बुद्धमय बनाना।
अब जैसे गावे के तमाम लोग गा रहे हैं, लेकिन बुद्ध के माने के क्यों तैयार कहते हैं कि हम मिशन कलाकार, हम मिशन गाईला, हम मिशन समझाईला। उन लोगों में और हमारे में क्या अंतर है? हम जितना समझाते हैं उतना फॉलो करते हैं, हम बुद्ध को मानते हैं, और बुद्ध की विचारधारा के सिवा हम अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों में कुछ होने नहीं देते जी। अखंड पाखंड देवी देवता दुर्गा कथा वार्ता हर कीर्तन राम सब बहा दिया हमने, हम सिर्फ बुद्ध की विचारधारा का अनुसरण करते हैं और बुद्ध विचारधारा को फॉलो करते हैं जी। और जिस दिन समाज बुद्ध को समझ गया, बाबा साहब अम्बेडकर को समझ गया, तो भारत महान भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा, फिर भारत की ऊंचाई को पूरी दुनिया में कोई छू नहीं पाएगा। आज भारत हमारा कमजोर है तो सिर्फ इसलिए है कि यहां बुद्ध और अंबेडकर को जानने वाले कम हैं। जिस दिन बुद्ध और अंबेडकर को जानने वाले लोग हो जाएंगे, यहां सारे लोग ज्ञानी हो जाएंगे, पाखंड समाप्त और समानता देश में शुरू हो जाएगी, लोगों में समानता भाईचारा होगी, देश में स्वतंत्रता होगी, बंधुता होगा, नैतिकता होगा। फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई भारत में नहीं होगी। धर्म की अपनी सोच है, आप अपना धर्म मानते रहिए, लेकिन धर्म तक आपकी सोच नहीं थे लेकिन आप मानव हैं, ये चीज से मत भूलिए। हम हिंदू हैं तो मुसलमानन के जिया ना देव कहा ना जिये दे भैया, हम मुस्लिम हैं तो हमारे हिंदुओं से 36 का आंकड़ा कहा है आंकड़ा भैया, तू रोटी खाला वो रोटी खाना, तू हरो रात बीतत है उन्हों का रात बीतत है कुल सतम बीतत है, सूरज एक साथ उगता है, सब पर किरणें डालता है, हवा एक तरफ से बहती है तो उसका आनंद सारे लोग लेते हैं जी। इसमें जातियां और धर्मों के नाम पर लड़ाई किस बात की? पाकिस्तान के नाम पर तो बांग्लादेश के नाम पर ये क्या है? ये लोगों के मानसिक में एक विकृति पैदा की जाती है। पाकिस्तान के नाम पर अगर लोगों को तैयार करेंगे तो यहाँ लोग मुसलमान के नाम पर तैयार होंगे, ये बीमारी है जी। लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 60-70 साल पहले पाकिस्तान भारत का अंग था, बांग्लादेश भारत का अंग था, अफगानिस्तान भारत का अंग था, ये सारे भारत थे, सब में भाईचारा थे। लेकिन जब से यहाँ पोथी पतरा शुरू हुआ तब से देश टूटना और देश में वैमनस्यता बढ़ना शुरू हो गई जी। तो इसलिए भैया टकराने की बात छोड़ दीजिए, ईश्वर से, ईश्वर यहाँ है ही नहीं है और ना ईश्वर से हमारा कोई टकराव है। हम प्रकृति को मानते हैं, हम वैज्ञानिक युग में पैदा, हम विज्ञान को मानते हैं जी। और विज्ञान प्राकृतिक पर आधारित है जी। कब बारिश होगी विज्ञान बताता है, मंदिरों में बैठा कभी कोई देवता आज नहीं बताया कि काल बारिश हुई कि परसों बारिश हुई, लेकिन विज्ञान इस पर बताता है कि मौसम इतने दिन में इतने दिन तक खराब हो सकता है जी। तो हम प्राकृतिक को मानते हैं और किसी को नहीं। और रहा सवाल देवता के रूप में, तो हमारे माता पिता हैं, उनसे कोई टकराव है नहीं जी। जी हमारे गुरु हैं बुद्ध और हमारे शिक्षक हैं बुद्ध सत्य बाबा साहब अम्बेडकर जी। इसके बाद बाकी हम अखंड पखंड अंड बंड पर हम कोई भरोसा नहीं करते, हम दिल दिमाग से एकदम कंफर्म हो चुके हैं जी। सर चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।